बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ डॉट क्लाउड, FSC सेकंड ईयर, एक्सरसाइज 3.6। और आज हम क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम देखें, हमें जो फंक्शन दिया गया है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया गया है, मॉडुलस में दिया गया है। अब मॉडुलस एक रियल नंबर का क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्स इज डिनोटेड एज मॉड ऑफ एक्स एंड इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स लेस देन जीरो एंड मॉड ऑफ एक्स इक्वल होगा एक्स के अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये रियल लाइन आपको नजर आ रही है। तो अगर लेस देन जीरो होगा नंबर तो हमारे पास वो माइनस एक्स के इक्वल आएगा, अगर नंबर इक्वल टू जीरो हो तो तब भी उसका मॉड उसी नंबर के इक्वल एक्स के इक्वल आएगा, अगर नंबर एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तो तब उसका मॉड एक्स के इक्वल आएगा। मसलन अगर आपको मालूम करना हो 3 का मॉड क्या है, अब 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 एक नंबर है तो इसका मॉड हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। इसी तरह अगर हमें एक नंबर है -3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड मालूम करना है तो ये किसके इक्वल होगा। अब देखिए -3 जो है वो लेस देन 0 है तो इसका मॉड आ जाएगा -3। ये आपको नजर आ रही होगी डेफिनेशन में कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होता है जब एक्स लेस देन जीरो। अब एक्स जो था यहां पे लेस देन जीरो है तो इसका मॉड इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 के। इसीलिए जब भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का मॉड लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। और ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हम हमेशा पीस वाइज जो फंक्शंस होते हैं उनमें हम यूज करते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखें कि अगर एक हमें इंटरवल दिया गया है फ्रॉम ए टू बी और इस इंटरवल में अगर कोई नंबर, इस इंटरवल में कोई भी नंबर सी है तो हम इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं फ्रॉम ए टू सी देन सी टू बी, यानी कि जो एरिया हम फाइंड करेंगे वो एक्चुअली इस पूरे इंटरवल में मालूम करना है। लेकिन हम करते क्या हैं कि इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक मालूम करते हैं, ए से सी तक, फिर सी से बी तक, ये हम फिर ऐड कर लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो लेट लेंगे हम, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब ये मॉडुलस फंक्शन में वैल्यू दी गई है तो हम, और मॉडुलस फंक्शन हमेशा याद रखें मॉड एक्स हमेशा प्लस माइनस एक्स के इक्वल होता है। ये चीज हमें यही बता रही है कि या तो वो प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, डिपेंड करता है कि नंबर लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पे इस फंक्शन के लिए हम अपनी ये जो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की ये यूज करेंगे। अब देखें ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये हमें मेंशन करनी पड़ेगी, रीजनिंग देनी पड़ेगी। एक्स माइनस थ्री ये इक्वल होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री के इफ एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो। इसी तरह एक्स माइनस थ्री के इक्वल होगा इफ एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो फर्दर ये एक्स माइनस थ्री इक्वल आ जाएगा, यहां पे हम ये करते हैं माइनस एक्स प्लस थ्री, ब्रैकेट को ओपन कर लिया है, यहां पे एक्स माइनस थ्री इफ माइनस थ्री को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स लेस देन आ जाएगा 3 के, और यहां पे जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस थ्री को तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा। ज्योमेट्रिकली ये हमें कुछ ये पता चल रहा है यहां से
कि यहाँ पे अगर जीरो है और यहाँ पे थ्री, और जब एक्स हमारे पास ग्रेटर देन थ्री होगा या इक्वल टू थ्री या इक्वल टू थ्री, तो तब हमारे पास फंक्शन होगा एक्स माइनस थ्री के, यानी कि मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल आएगा एक्स माइनस थ्री के। और जब हमारे पास एक्स लेस देन थ्री होगा तो हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल आएगा माइनस एक्स प्लस थ्री के। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एक पीस वाइज फंक्शन बन गया है। और अब देखें हमें इंटरवल क्या दिया गया है, हमें इंटरवल दिया गया माइनस वन से, माइनस वन यहां पे होगा, माइनस वन से फाइव तक, फाइव यहां पे होगा। अब हम यह करेंगे कि अपने इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेंगे फ्रॉम माइनस वन टू थ्री, क्योंकि इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो इक्वल है माइनस एक्स प्लस थ्री के। और फिर हम इस इंटरवल में थ्री से फाइव तक जो हमारा फंक्शन है वो इक्वल है एक्स माइनस थ्री के, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस थ्री के। तो हम जो हमारा इंटीग्रल है स्प्लिट हो जाएगा दो इंटीग्रल्स में, फ्रॉम माइनस वन टू थ्री एंड थ्री टू फाइव। अब देखें हमारा इंटीग्रल हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस वन टू थ्री, और इस इंटरवल में हमारे पास है माइनस एक्स प्लस थ्री डी एक्स, फिर आएगा प्लस, फिर इंटरवल जो है फ्रॉम थ्री टू फाइव, और इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो इक्वल है एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब हम अलग अलग कर लेंगे सब इंटीग्रल्स को, माइनस वन टू थ्री माइनस एक्स डी एक्स, इस माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, प्लस थ्री इंटीग्रल फ्रॉम माइनस वन टू थ्री डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम थ्री टू फाइव एक्स डी एक्स, माइनस थ्री इंटीग्रल फ्रॉम थ्री टू फाइव डी एक्स। अब हम ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वन टू थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस वन टू थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स के, सॉरी एक्स के ओवर टू लिमिट फ्रॉम थ्री टू फाइव माइनस थ्री एक्स लिमिट फ्रॉम थ्री टू फाइव। हमने सिंपल इनके इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव मालूम किए हैं। अब माइनस वन बाय टू में बाहर लिख लेता हूं, एक्स के माइनस वन बाय टू बाय लिखा, अब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नाइन, थ्री स्क्वायर नाइन हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस वन स्क्वायर आएगा, और माइनस वन स्क्वायर हमारे पास वन के इक्वल होता है लिहाजा यहाँ पे वन आ जाएगा, प्लस थ्री अपर लिमिट हमारे पास थ्री, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास माइनस वन, माइनस वन और माइनस ये प्लस वन हो जाएगा लिहाजा हम यहाँ पे प्लस वन लिख लेंगे, प्लस वन ओवर टू बाय लिख लेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे नाइन आ जाएगा, माइनस थ्री अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फाइव, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे थ्री। अब सिंपल हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, यहाँ पे एट हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू फोर प्लस वन ओवर टू ट्वेंटी फाइव ये सिक्सटीन हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फोर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ट्वेल्व, यहाँ पे एट, यहाँ पे माइनस सिक्स। अब देखें ट्वेल्व प्लस एट हमारे पास ट्वेंटी हो जाएगा, माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टेन हो जाएगा, और हमारा रिजल्ट टेन आ जाएगा। लिहाजा इस केस में जो हमारा इंटीग्रल था उसका रिजल्ट आ जाएगा टेन स्क्वायर यूनिट। ये जो आपको कर्व नजर आ रही है इसमें आपको एक शॉर्ट एज नजर आ रहा है, इसीलिए ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन था। यहां तक अगर आप देखें ये लाइन जो आ रही है यहां तक थ्री तक ये कंटिन्यूस है, लेकिन जब ये इंक्रीजिंग जब साइड पे जाती है
तो ये इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं रहती। हमेशा याद रखें जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो हमेशा स्मूथ फंक्शन होता है, वो इस तरह उसमें कभी भी एज नहीं आएंगे। ये इस तरह ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है क्योंकि यहाँ पे शार्प एज आ गए हैं। तो इसीलिए हमने अपने इंटीग्रल को स्प्लिट किया था दो इंटीग्रल्स में, क्योंकि ये हमारा फंक्शन जो था ये एक्चुअली पीस वाइज कंटिन्यूअस था। अब हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया है, इस ये जो कर्व है इसके अंडर फ्रॉम -1 to 5, -1 ये आपको नजर आ रहा है और 5 ये, तो हमने एक्चुअली ये एरिया फाइंड किया है इस केस में। ये सारा ग्रीन शेडेड एरिया हमने फाइंड किया, जब फाइंड किया तो ये 10 स्क्वायर यूनिट के इक्वल आया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। मेरे चैनल math.cloud को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।